नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसके में। दोस्तों, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल दिए गए हैं भारतीय संविधान में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? भारत के जो मूल संविधान थे उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन जो वर्तमान संविधान है उसमें अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उनको याद करना है। चलिए, अनुसूची से जो रिलेटेड एक टेबल बनी हुई है उससे हम सारी अनुसूचियों को देखेंगे और वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दी गई हैं या किन किन अनुच्छेदों में उनका प्रावधान है, उनको भी देखेंगे। अनुसूची फर्स्ट, संबंधित विषय, राज्यों और संघ राज क्षेत्रों के नाम व उनकी सीमाएं। अनुच्छेद जो संबंधित है वो आर्टिकल 1 तथा 4 है। दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। आर्टिकल 59(3), 65(3), 75(6), 97(125), 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221। ये आर्टिकल इन सबसे रिलेटेड हैं। जैसे राष्ट्रपति 59(3) से रिलेटेड है। तीसरी अनुसूची, संघ राज क्षेत्र, मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। इससे जो रिलेटेड अनुच्छेद हैं वो 75 हैं, 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188 और 219। सिंपली अगर हम याद करना चाहें तो पहली अनुसूची है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है, तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है और चौथी अनुसूची राज्य और संघ राज क्षेत्रों के
लिए जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है उससे संबंधित है, और वो जो पांचवी अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जो जुड़े प्रावधान हैं उनसे संबंधित है। छठी अनुसूची में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष उपबंध दिए गए हैं। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची, तीन जो लिस्ट दी गई हैं, तीन सूचियां जो दी गई हैं उनमें उन सूचियों को तीन सूचियों में बांटकर संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और संवर्ती सूची के विषय में डाला गया है। तो सातवीं अनुसूची है वो संघ, राज्य और संवर्ती सूची से संबंधित है। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा, इसका मतलब कि भाषाओं से संबंधित जो अनुसूची है वो आठवीं अनुसूची है। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार व जमींदार उन्मूलन अधिनियम, नियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी विषय अगर हम नौवीं अनुसूची में शामिल कर लेते हैं तो उसके द्वारा जो कोर्ट के द्वारा उसका जो पुनरावलोकन होता है वो नहीं किया जा सकता था। दसवीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित उपबंध है। इसका मतलब कि एक जो सांसद या विधायक अपनी पार्टी तोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनसे संबंधित जो उनकी अर्हताएं हैं विधानसभा या संसद के सदस्य होने के नाते उनका जो ब्यौरा है वो दसवीं अनुसूची में दिया गया है। ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित शक्तियाँ और पंचायत के विषय में बताया गया है। बारहवीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसको आप सिंपली याद करने के लिए बारहवीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड है, ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, दसवीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, नौवीं अनुसूची भूमि सुधार जमींदार उन्मूलन से संबंधित है, आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, सातवीं अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियां जो तीन विषय दिए गए हैं उनसे संबंधित हैं, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित जो उपबंध दिए गए हैं, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं, चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है कि कौन से कितने सदस्य किस राज्य और किस संघ शासित क्षेत्र से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे ये चौथी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है और पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व उनकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।